उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी। आदिवासी समाज से निकलकर राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू ने देश की महिलाओं का नाम जहां रोशन किया है, तो वहीं समाज के लोगों में खुशी भी है। इसी कड़ी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा आज नवनिर्वाचित भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी गयी। दलित समाज में उनके राष्ट्रपति बनने पर उत्साह देखने को मिला। इसके लिए सभी पार्टियों का धन्यवाद भी किया गया। खुशी के मौके पर जिला संयोजक दीपू परछा, केंद्रीय कार्यकर्ता सदस्य आदेश कुमार एडवोकेट, सुशील कुमार, रोबोट चौधरी, विक्की बादशाह, फरीद अहमद, बबलू भूरे, दिनेश वाल्मीकि के साथ और भी लोग मौजूद रहे। देखिए, जो प्रथम आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, जो दलित समाज से संबंधित हैं, वो प्रथम आदिवासी महिला बनी है, इसकी खुशी में पूरा दलित समाज बड़े उससे इन्हें मान लिया है। इस बार इनके चुनाव के लिए इनके लिए बधाई दे रहे हैं, जगह जगह बधाइयाँ दे रहे हैं हम लोग, और सभी समाज के लोग बहुत उत्साह से इनका स्वागत है। किस तरीके से भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया था, जीते भी, तो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आप, क्या संदेश देना? मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासी बिरादरी में पहली बार ऐसा पद मिला है, तो मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और सभी वर्ग ने इन्हें चुना है, ना कि एक ही पार्टी ने चुना हो, सभी ने वोट दिया है।